नमो राग भाई, मैं डॉक्टर शांत कुमार चतुर्वेदी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट उत्तर प्रदेश। सातवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना एवं योग विभाग द्वारा आयोजित सप्त दिवसीय राष्ट्रीय व्याख्यान माला का यह पांचवा दिवस का द्वितीय सत्र प्रारंभ हो रहा है। विश्वविद्यालय के जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के आजीवन कुलाधिपति पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय पद्म विभूषण से अलंकृत जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिनकी कृपा से, जिनकी आशीर्वाद से यह बहुत ही महनीय और सुंदर कार्य संपादित हो रहा है। उनके चरणों में सत सत नमन करता हूँ। विश्वविद्यालय के योग एवं लब्ध प्रतिष्ठ संस्कृत और हिंदी के विद्वान परमादरणीय कुलपति प्रोफेसर योगेश चंद दुबे जी को मैं सत सत नमन करता हूँ, जिनके कुशल निर्देशन में विश्वविद्यालय नित नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। विश्वविद्यालय के माननीय वित्ताधिकारी महोदय, जिनके बिना कोई भी कार्य ऐसे संपादित होना कठिन है, उनका भी आशीर्वाद सदैव हम लोगों के साथ में रहता है। ऐसे पूजनीय वित्ताधिकारी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। विश्वविद्यालय के कुशल एवं कर्मठ इतिहास वेत्ता कुलसचिव डॉक्टर महेंद्र कुमार उपाध्याय जी को मैं नमन करता हूँ। आपकी सहजता और सम्यता हमारे साथ हमेशा बनी रहती है। आप हमारे हर कार्य में जब भी हम कुछ कहते हैं तत्पर रहते हैं। ऐसे महामना कुलसचिव को भी मैं नमन करता हूँ। एवं इस कार्यक्रम के मुख्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दिलीप कुमार जी, जिनके अथक परिश्रम से यह कार्यक्रम बहुत सुंदर चल रहा है, संपादन हो रहा है, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपके साथ में आपके संपूर्ण टीम के संपूर्ण पदाधिकारी, जिनमें डॉक्टर आनंद कुमार जी जो कि इस टीम के साथ भी हैं और इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष भी संभाल रहे हैं, डॉक्टर आनंद कुमार जी, आप इसके पहले भी ऐसे महनीय कार्यक्रमों में अपना सहयोग दे चुके हैं और आपका सहयोग बहुत ही सराहनीय रहता है। इनके बाद डॉक्टर नीतू तिवारी जी जो सहायक प्राध्यापिका हैं विश्वविद्यालय की, आप भी बहुत कुशल और कर्मठ हैं, आपको मैं साधुवाद देता हूँ। हमारे नवोदित सहायक प्राध्यापक श्री प्रज्योत कुमार दुबे जी बहुत ही कुशल और नेतृत्व क्षमता के धनी, मैं आपको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप इस महनीय कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं। जैसा कि यह आप सभी लोगों को विदित ही है कि इस समय जो महामारी से हम लोग गुजर रहे हैं, कोरोना की, इसमें एक योग ही ऐसी चिकित्सा है, दवा है, जिसके माध्यम से शरीर के संपूर्ण रोगों का इलाज संभव है। और इस दशा में तो और ही योग की उपयोगिता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो विश्वविद्यालय की उस कमेटी को, माननीय कुलपति जी को, गुरु जी को, जिन्होंने इस विषय पर यह अनुमति दी वेबिनार संपन्न कराने के लिए, हम बहुत ही अभिभूत हैं। आपके चरणों में सत सत नमन करते हैं।
मैं अब आज के मुख्य अतिथि हैं हमारे जो वक्ता हैं उनसे आपका परिचय करा दूं। आज के आमंत्रित मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर आनंद प्रकाश तिवारी जी, जो कि डायरेक्टर हैं डिस्टेंस एजुकेशन जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय राजस्थान में। आप, यह परम सौभाग्य की बात है कि आपके मुखारविंद से योग से क्या लाभ हैं और हमारे जीवन में योग कितना उपयोगी है आदि विभिन्न विभिन्न प्रकार की अमूल्य बातें हम सुनेंगे और वह हमारे जीवन में बहुत लाभदायक सिद्ध होंगी। तो बड़े ही आदर से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, प्रोफेसर आनंद प्रकाश तिवारी जी सादर नमन करता हूं कि आप का विश्वविद्यालय में, हमारे विश्वविद्यालय में बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। और आपका वक्तव्य जिस विषय पर आज आयोजित होना है उसका विषय है विभिन्न दर्शनों में योग का महत्व। बहुत ही सुंदर विषय है, हम लोग बहुत ही अभिभूत हैं, आह्लादित हैं आपको सुनने के लिए। तो एक बार फिर से आपको सादर नमन करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर तिवारी सर जी को, सादर नमन। धन्यवाद चतुर्वेदी जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम अशितो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्योर्मामृतं गमे। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य पद्म विभूषण जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी, कुलाधिपति जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, सम्माननीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश चंद दुबे जी, वित्ताधिकारी जी रजिस्ट्रार डॉक्टर महेंद्र कुमार उपाध्याय जी, और इस ज्ञान यज्ञ में जिनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग मिल रहे हैं वो सभी महानुभावगण, मुझे इस बात की अत्यंत खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में पांचवें दिवस आपने मुझे रूबरू होकर के अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए जो आमंत्रण दिया है उसी के विषयभूत आज मैं विभिन्न भारतीय दर्शनों में योग का क्या स्वरूप है इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। मित्रों, बात जब योग की आती है तो ये प्रश्न उठता है कि आखिर योग कितना प्राचीन है, योग की शुरुआत कब से हुई है। इस प्रश्न का जब हम समाधान ढूंढते हैं तो गीता के चतुर्थ अध्याय में ये मिलता है कि योग तो कल्प के प्रारंभ से ही है। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, इदं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहमद्यम विवस्वान मनवे प्राह मनरिक्षाक वे अप्रवीत। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये सबसे पुरातन योग, जिसे मैंने भगवान सूर्य को कहा, सूर्य से मनु को मिला, मनु से इक्ष्वाकु को मिला, और इस तरह से परंपरागत में ये योग धीरे धीरे प्रसिद्ध होता रहा और कुछ समय के लिए, कुछ कालखंड के लिए इसका अवसान भी हुआ। और फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, इसा एवा यम मया ते यद्य योगः प्रोक्तः पुरातन। आज उस पुरातन योग को मैं अर्जुन तुमसे फिर से कह रहा हूं। इससे यह सिद्ध होता है कि योग अत्यंत प्राचीन रहा है, कल्प के प्रारंभ से ही रहा है। और जब हम अपने उपनिषद ग्रंथ में देखते हैं तो जो युजिर योगे की अवधारणा है वो हमें स्पष्ट रूप से उपनिषद ग्रंथों में मिलती है।
जब हम अहम ब्रह्मास्मि जैसे आर्ष वाक्य का उच्चारण करते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म की बात करते हैं, तत्वमस की बात करते हैं, ये अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, तत्वमसि यानी तत्त्वम असि वह तुम ही हो, अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म ही हूं, ये जो तदाकार की स्थिति है, एकाकार की स्थिति है, जो हम कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये जो संबंध सूचक योग की बात है, ये पुरातन काल से चला आ रहा है। और यजुर्योग की बात हम गीता में स्पष्ट रूप से देखते हैं। गीता में जो कहा गया है कि समत्वम योगो इच्छते, समता ही योग है। भगवान कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुल कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योगो इच्छते। ये समता ही योग है। अब प्रश्न उठता है, ये समता क्या है? इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं व्यासपुत्र सुखदेव का उदाहरण देना चाहता हूं। व्यासपुत्र सुखदेव जब मिथिला में पधार रहे थे, तो मिथिला नगर में जब वो पहुंचे तो उनका कोई स्वागत नहीं हुआ, कोई स्वागत करने के लिए वहां आया नहीं। एक ऐसा महान विभूति, एक ऐसा महापुरुष जो मिथिला नगर में प्रवेश कर रहा हो, सबको जानकारी हो, लेकिन कोई आया नहीं। उन्होंने बिल्कुल तटस्थ भाव से सुखदेव वहां से जब महल में प्रवेश किए तो बिल्कुल विपरीत स्थिति देखने को मिली, यानी महल में पग पग पर उनका स्वागत, परिचारिकाओं द्वारा सारे व्यंजन सब कुछ, तोरण द्वार माला सारी चीजें उपस्थित थी। अब आप देखिए, जो व्यक्ति नगर में प्रवेश किया, कोई स्वागत नहीं, बिल्कुल चेहरे पर कोई शिकन नहीं, तटस्थ दृष्टि, माध्यस्थ दृष्टि, दृष्टा भाव की दृष्टि, और वही व्यक्ति जब नगर में प्रवेश कर रहा है, सब प्रकार से स्वागत हो रहा है, लेकिन वहां भी चेहरे पर कोई आह्लाद की स्थिति नहीं, कोई प्रसन्नता की स्थिति नहीं, बिल्कुल तटस्थता की स्थिति, समता की स्थिति, संभाव की स्थिति। और जब मिथिला नरेश जनक से उनकी मुलाकात होती है, तो मिथिला नरेश जनक ने एक कटोरे में भरा हुआ दूध उनको दिया और कहा, इस सभागार में 7 चक्कर लगाइए और ध्यान रहे एक बूंद दूध का छलकने ना पाए। मित्रों, सुखदेव 7 चक्कर लगाते हैं, दूध से भरे कटोरे के एक बूंद भी बाहर नहीं निकलता है, बाहर नहीं गिरता है। तो मिथिला नरेश जनक कहते हैं कि सुखदेव सही मायने में योग को तो आपने जिया है, सही मायने में योग की पालना तो आपने की है। योग में जो इंद्री मन चित्त बुद्धि सब एकाकार होते हैं, वो आपने किया है, और उसी का परिणाम है कि एक बूंद दूध भी भरे हुए कटोरे से नहीं निकला। तो इसका मतलब है कि योगस्थ की दृष्टि जो है वो आपकी है, और यही जो है समता योग यही है, कि हर स्थिति में सम रहने का अभ्यास। तो सुखदेव जी का जो हर स्थिति में सम रहने का अभ्यास, वो गीता कहती है योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योगोच्यते। मित्रों, ये समता का योग है कि हर स्थिति में सम रहना, चाहे कितनी विपरीत से विपरीत स्थितियां हों, क्योंकि ये जीवन है, जीवन में सब दिन न हो एक समान, सारे दिन एक समान नहीं होते, कभी सुख के दिन होते हैं तो कभी दुख के दिन होते हैं। व्यक्ति महान वही होता है जो हर स्थितियों में सम रहता है। मुझे कालिदास की वो पंक्ति भी याद आ रही है,
कि जब कालिदास कहते हैं याति कृतोस्त शिखरम पति रोषधी नाम आविष्कृतम वरुण पुरस्सरो एक तो वर्कह तेजो द्वेष युगपद वैष्णव दयाभ्याम लोको नियम्यति वादशांतरेषु। कालिदास ने उस समत्व दृष्टि का यहां पूरी तरह से चित्रण किया है और ये बतलाया है कि किस तरह से दो महान तेज पुंज, एक भगवान भास्कर और एक औषधि नाम पति चंद्रमा, यानी ये देखिए दोनों ही उदय और व्यसन को प्राप्त होते हैं। याति कृतोस्त शिखरम पति औषधि नाम, औषधियों का पति चंद्रमा एक तरफ जो है अस्त हो रहा है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अपने सारथी और उनको आगे किए हुए भगवान भास्कर का आगमन हो रहा है। तेजो द्वेष युगपद वैष्णोद्याभ्याम, यानी जब ये दो तेज पुंज जो है ये व्यसन और उदय को प्राप्त होते हैं, उदय और अस्त को प्राप्त होते हैं, तो हे मानव तेरी क्या विषात है। इसका मतलब है कि जिस तरह से सूर्य अस्त होने के बाद अगले दिन पूरी प्रकर्षता के साथ, पूरी तेजस्विता के साथ निकलता है और उसी तरह से चंद्रमा की स्थिति भी होती है। इसलिए हे मानव इन दो तेज पुंजों से सीखो, देखो कि अगर जीवन में कभी दुख के दिन आए तो उन दुख के दिन को काटने का प्रयास करो, आगे आपका मार्ग प्रशस्त होगा। तो ये सही माने में यही संता योग है, क्योंकि जीवन में संघर्ष आते रहते हैं और योग हमें ये सिखाता है। गीता का योग, ये समता का योग जो है ये बताता है कि वह पथ क्या पथिक सफलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूर न हो उस नाभिक की धैर्य परीक्षा क्या, धाराएं जिसके प्रतिकूल न हो। ये प्रतिकूल धाराओं में जो नाभिक सफल होता है सही मायने में वही समता का अभ्यास करता है और वही उस समता के अभ्यास से उस कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए अपने मंजिल तक पहुंचता है। तो मित्रों ये गीता जो हमें समता योग की बात करती है, समता की बात सिखाती है, जो ये कहती है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो गया, यानी सुख दुख लाभ हानि जय पराजय हर स्थिति में सम रहने का अभ्यास करना चाहिए। तो ये एक तरफ गीता समता योग की बात करती है तो दूसरी तरफ हम देखते हैं योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता कर्म में दक्षता योग है। यहां प्रश्न उठता है कि किस प्रकार के कर्म में दक्षता, किस प्रकार के कर्म ने प्रवीणता सिद्धस्तता, हम सब जानते हैं कि गीता कोई सकाम कर्म की प्रवीणता सिद्धस्तता की बात नहीं करती। जब जब गीता में कर्म की बात आती है तो गीता जो है वो निष्काम कर्म की बात करती है। और ये निष्काम कर्म है क्या, निष्काम कर्म का मतलब कर्म करना नहीं बल्कि बिना किसी फल की चिंता किए हुए कर्म करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगोष्ठ कर्म, यानी कर्म फल की चिंता किए बिना कर्म को करना। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या गीता हमें पर्पजलेस कर्म को करने की बात कर रही है, क्या हमें उद्देश्य विहीन कार्य करने की बात कर रही है। तो मित्रों ऐसा गीता का अर्थ नहीं लगाना चाहिए। पर्पजलेस वर्क, निष्प्रयोजन वर्क तो प्रमत्त व्यक्ति करता है, पागल व्यक्ति करता है, कोई सचित्त वाला व्यक्ति, सचेत व्यक्ति नहीं करता। यानी हर व्यक्ति का कोई उद्देश्य होता है, निरुद्देश्य क्रिया नहीं होती है। लेकिन जब बात आती है कि निष्काम कर्म की, तो इसका मतलब है कि फल की चिंता किए बिना, क्योंकि जब हम कर्म करते समय फल की चिंता करने लगते हैं तो कर्म से डाइवर्सन हो जाता है, यानी कुछ न कुछ हम कर्म से अलग होते जाते हैं। तो इसलिए जब कर्म से अलग होंगे तो परिणाम अच्छा नहीं आएगा और फिर कहते हैं हमने तो कर्म किया परिणाम नहीं मिला। पर मूलतः होता क्या है कि हम परिणाम की चिंता ज्यादा करने लगते हैं कर्म के वनस्पति, और इसलिए उस कर्म का वो परिणाम नहीं मिल पाता। तो इसका मतलब यह है कि फल की चिंता भी किए बिना कर्म करना,
और दूसरी बात कहते हैं कि फलाशक्ति, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, फल में आसक्ति। और वैसे हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज की आसक्ति बुरी है, कोई भी चीज। आप देखिए पतंगा लपटों के प्रति आसक्ति करता है तो क्या होता है, जल जाता है, मर जाता है। जो भी जिस तरह की आसक्ति, काम वासना की आसक्ति व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। आसक्ति किसी भी प्रकार की आसक्ति, वो भ्रमर की आसक्ति जो पुष्प में जाकर के चिपट जाता है और रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भाष्यानुदैष्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्त्यन्ति कोशगते द्वीपे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। आप देखिए आसक्ति का दुष्परिणाम क्या होता है, यानी क्यों भगवान कृष्ण निरासक्त कर्म करने की बात कर रहे हैं, आसक्ति विहीन कर्म की बात करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आसक्ति व्यक्ति को बर्बाद कर देती है, जिसका चित्रण कवि ने इस कविता में किया है कि एक घोड़ा, एक भ्रमर जो है वो पुष्प की पंखड़ियों का जो पराग है लेने में इतना मदमस्त हो जाता है कि वो भूल जाता है, और शाम हो जाती है, पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं, तो उन पंख बंद पंखुड़ियों के भीतर वो भ्रमर सोचता है रात्रिर्गमिष्यति, रात चली जाएगी और भाष्य यानी प्रभात होगा और फिर से सूर्य भगवान निकलेंगे और ये पंखुड़ी खिलेगी। और इत्थं विचिन्त्यन्ति कोशगते द्वीपे, इस प्रकार वो घोड़ा जो अंदर बंद सोच रहा है कि हा हंत हंत नारे खाती आता है और उसको मसल करके फेंक देता है। तो मित्रों, इस प्रकार की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, फलाशक्ति नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो न तो परिणाम की चिंता करनी चाहिए, न परिणाम में किसी प्रकार की आसक्ति होनी चाहिए। और एक काम करते समय जो कर्तापन का बोध होता है, और ये कर्तापन का बोध जो है अहम का बोध कराता है, और ये अहम का बोध जो है ये व्यक्ति के लिए सबसे खतरनाक होता है। मैं ही करने वाला, मैं ही सब कुछ करता हूं, मेरे सिवाय कोई कुछ नहीं कर सकता, इस प्रकार का जो अहम बोध है ये योग की देन नहीं है, ये तो योग की विपरीत दशा है। योगी कभी अहंकार नहीं करता, योग साधना में रत व्यक्ति को कभी अहंकार नहीं होता। तो ये जो है एक तरह से अहंकार उनको होता है जो एक तरह से यानी फल में आसक्ति रखते हैं और ये कहते हैं कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही धरता हूं, मैं ही स्वामी हूं। तो ये जो अहंकार है ये अहंकार व्यक्ति को नष्ट करता है। और सबसे बड़ी बात जो कवि कह रहा है, तू बंदा नहीं मान सचमुच खुदा है, हुआ एक नुक्ते से वस्तु जुदा है, वो नुक्ता खुदी है जुदाई कबाइस, मिटा दे खुदी वस्तु खुदी खुदा है। यानी भक्त और भगवान के बीच ये अहंकार है जो भक्त और भगवान को अलग करता है, यानी योग जो जोड़ने का काम करता है ये अहंकार अलग करने का एक अवस्ट्रक्शन के रूप में सामने आता है। यानी ये अहंकार बाधक होता है और योग मिलाने में साधक होता है। तो इसलिए जब तक ये अहंकार है तब तक जो है ये योग के जोड़ने का कार्य नहीं हो सकता, और ये अहंकार बर्बादी का कारण होता है, चाहे वो रावण का अहंकार हो, चाहे वो दुर्योधन का अहंकार हो, जो ये कहता है सूच्यागम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवः, और जो रावण कहता है कि ये वनवासी मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। तो ये अहंकार जो है ये एक लख को सवा लख नाती थे रावण के दिया निभाती, यानी सबको खा गया, सबको निगल गया। इसलिए मित्रों जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार करने का मतलब योग से दूरी, योग की दूरी का मतलब भक्त का भगवान से दूरी। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि अगर भक्त भगवान से सान्निध्य प्राप्त करना चाहता है, तादात्म्य स्थापित करना चाहता है, तो इस अहंकार को जीतना होगा। अब रही बात कि फिर जो है कर्म क्यों करें, अगर कर्म के पीछे न कोई परिणाम हो, न परिणाम की आसक्ति हो, और न कोई परिणाम को जताने की बात हो, कर्म करने की बात हो, तो फिर कर्म क्यों करें।
ऐसे प्रश्न का जवाब भी भगवान श्री कृष्ण गीता में देते हैं कि नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशलोकी सुकिंचन नान वाप्तम आप्तव्यम वर्ते उच्च कर्म। यानी हे अर्जुन, मेरे लिए तीनों लोकों में कोई कार्य नहीं है और कोई ऐसी चीज भी नहीं जो मेरे लिए अप्राप्तव्य हो, सब कुछ प्राप्त है, लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य कर्तव्य के लिए, कर्तव्य परिणाम के लिए नहीं, कर्तव्य फल के लिए नहीं, कर्तव्य को कर्तव्य के लिए करना चाहिए, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। यह है गीता का ज्ञान कि कर्म किए या फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, यह है गीता का ज्ञान। तो इसलिए यानी कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना और माई प्लेस इज माई सर्विस, मेरे स्थान और उसके कर्तव्य की बात, हर व्यक्ति को समाज में जो स्थान मिला है उसके अनुसार कर्तव्य करना। और भगवान कृष्ण जो है गीता में कहते हैं कि मैंने तीन मार्ग बताए हैं, मार्गस्त्रियो में आप रोकता नड़ाम से जो विगिस्या ज्ञान कर्म भक्तिश्चन हो पाए और नृत्य करे थे। हे अर्जुन, मैंने तीन मार्ग बताए हैं मनुष्य के कल्याण के लिए, एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है, एक कर्म मार्ग है। ये कर्म मार्ग जो निष्काम कर्म मार्ग है, इसके अतिरिक्त भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग है। तो ये तीनों मार्ग से व्यक्ति अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि गीता में जो योग है वो एक तरह से युजिर योगे की बात करता है, संबंध की बात करता है, भक्त और भगवान में संबंध की बात करता है, आत्मा और परमात्मा में संबंध की बात करता है। लेकिन जब हम अपने भारतीय दर्शन की प्रसिद्ध दर्शन योग दर्शन यानी पातंजल दर्शन पर विचार करते हैं तो वहां जो योग की व्याख्या मिलती है वो एक तरह से युज समाधो की बात मिलती है। यानी योग जो है वो समाधि सूचक है और इसीलिए हम देखते हैं कि अष्टांग योग में अंतिम जो योग है वो समाधि ही है। तो इस तरह से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो ये जो समाधि की बात है, युद्ध समाधि की बात है, और वो कब कैसे प्राप्त होगी, तो आप देखिए कि पतंजलि जो है अपने पातंजलि योग सूत्र के प्रथम पाद का जो दूसरा सूत्र है उसमें योग को परिभाषित करते हुए कहते हैं योगश्च चित्त वृत्ति निरोध। मित्रों, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। तो ये एक बहुत बड़ी बात कि जो चित्त की वृत्तियां हैं, चित्त के जो व्यापार है, और चित्त की तुलना जो है अगाध नदी की से की गई है कि जैसे नदी में जो है तरंगे उठती रहती हैं और इसी तरह से चित्त में भी तरंगे उठती रहती है, भावनाओं की तरंगे उठती रहती है, और ये तरंगे, ये जो व्यापार है, और ये जब तक उठते रहेंगे, जैसे नदी या समुद्र में जैसे ये तरंगे यानी एक तरह से उछाल मारती हैं, तो पूरा जो पानी है वो हिलता डुलता है। लेकिन जब पानी शांत होता है, नदी का पानी शांत होता है, तो हम ये देखते हैं कि उस पानी में हम वो पानी दर्पण का काम करता है, यानी बिल्कुल शांत जल दर्पण का काम करता है। ऐसे ही वृत्तियों से रहित जो चित्त है वो यानी तदा दृष्टि स्वरूपे अवस्थान, तीसरा सूत्र ही है कि वो अपने वास्तविक स्वरूप का भान कराता है। लेकिन मित्रों, उसके लिए पहले चित्त की वृत्तियों का निरोध, और चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के पूर्व ये चित्त की वृत्तियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा अस्मृत्य पंच वृत्तियां, ये पांच वृत्तियां हैं, प्रमाण भी है, विपर्य भी है, विकल्प है, निद्रा है, स्मृति। यानी एक तरह से पतंजलि कहते हैं वृत्तियां तो असंख्य हैं, लेकिन असंख्य वृत्तियों को कैटेगराइज कर दिया गया है इन पांच में, और इस तरह से ये पांच वृत्तियां आती, ये पांच तरह के व्यापार चित्त के हैं। ये जब तक चलते रहेंगे, जब तक इनके बारे में हम सोचते रहेंगे, इन पर मन दौड़ाते रहेंगे,
तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हम जो है उस चित्त के व्यापार में फंसे रहेंगे, योग साधना नहीं कर सकते। तो इसलिए वो जो प्रमाण वृत्ति, देखिये जिन वृत्तियों के बारे में कहते भी हैं कि वृत्त यह पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा, ये वृत्तियां क्लेशकारी भी हैं और अक्लेशकारी भी हैं। ये यानी दुख भी देती हैं तो ये हमें सुख भी देती हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में हो पर इनका निरोध बहुत जरूरी है, यानी वृत्तियों का निरोध बहुत जरूरी है। अब प्रमाण वृत्तियां, लोग कहते हैं कि प्रमाण जो है प्रमाया करणमिति प्रमाणम, यानी एक तरह से ज्ञान प्राप्ति का साधन है प्रमाण, और वो प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण की बात कही गई है। लेकिन अगर इस प्रत्यक्ष अनुमान शब्द में हम भटकते रहेंगे तो वो जो योग की जो शांति है, चित्त की निर्मलता है, वो नहीं हो पाएगी। इसलिए मित्रों प्रमाण को भी एक वृत्ति के रूप में पतंजलि ने स्वीकार किया है योग साधना में रस साधकों के लिए। दूसरी बात है विपर्यय। विपर्यय जो है ये प्रायः सभी दार्शनिक इसको स्वीकार करते हैं। कोई इसे मिथ्या ज्ञान कहता है, कोई इसे अविद्या कहता है, कोई इसे माया कहता है, यानी कोई इसे भ्रम कहता है, कोई इसे अध्यास कहता है, किसी न किसी रूप में ये प्रायः सभी दर्शनों में मिलता है। क्योंकि विपर्यो मिथ्या ज्ञान मतद रूप प्रतिष्ठा, विपर्य जो है मिथ्या ज्ञान है, और मिथ्या ज्ञान क्या होता है, अतद रूप प्रतिष्ठा, यानी जो नहीं है वो प्रतिपादित कर देना, माया, मा माने जो नहीं है, या उसे वो बना देना। कहने का मतलब जब रात्रि में हम रस्सी देखते हैं तो रस्सी को हम सर्प बना देते हैं, और सर्प बना ही नहीं देते बल्कि उसके अनुसार ही सारी क्रिया भी कर लेते हैं, यानी भयभीत होना, उछलना, कूदना, डरना, भागना। पर बेसिकली क्या है, वो रस्सी है, लेकिन उस रस्सी को हमने सर्प समझ लिया, जो रूप उसका है उससे अलग रूप समझ लिया, अतद रूप का प्रतिष्ठा, जो है नहीं उसको समझ लिया, सर्प नहीं है लेकिन रस्सी को सर्प समझ लिया और सारी क्रिया की। ये विपर्य, ये मिथ्या ज्ञान, ये मिथ्या ज्ञान जो है ये भी हमें जो है इससे भी दूर होना चाहिए, इसे निरोध करना चाहिए। तीसरी वृत्ति पतंजलि जो है वो विकल्प की करते हैं। विकल्प को एक नए रूप में यहाँ देखने को मिलता है कि शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प है, यानी जो चीज जो है वास्तव में नहीं है, उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, लेकिन करें कि शब्द रूप, तो शब्द रूप में तो है लेकिन वस्तु के रूप में शून्य है, शब्द ज्ञानानुपात वस्तु शून्य विकल्प है। अब इस प्रकार के जो उदाहरण हैं, हम प्रायः देखते हैं कि बात आती है मृग तृष्णा की, मृग तृष्णा यानी किस तरह से मृग जो है वो दूर रेतीले भाग को पानी समझ करके वो भागता रहता है लेकिन उसे पानी नहीं मिलता। तो ये जो मृग तृष्णा है ये शब्द ज्ञान तो है लेकिन वस्तु के रूप में शून्य है। मित्रों किसी कवि ने ये विकल्प वृत्ति को एक जगह इकट्ठा करते हुए कहा है कि मृग तृष्णाम भस्य स्नातः ख पुष्प कृत शेखर एवं बंध्या सुतो याति सश्रृंग धनुर्धर। यानी ये यहाँ विकल्प वृत्तियों को एक साथ जोड़ दिया गया के मृग तृष्णा के जल में स्नान करके, मृग तृष्णा वश्य स्नातः ख पुष्प कृत शेखर, शिखर पर आकाश कुसुम को धारण किया, और सश्रृंग धनुर्धरा हाथ में जो है खरगोश की सींग का बना हुआ धनुष लिए हुए इस प्रकार का बंध्या पुत्र डाला। तो आप देखिए ये बंध्या पुत्र, ये सश्रृंग, ये मृग तृष्णा, ये आकाश कुसुम जो शब्द के रूप में तो है लेकिन वस्तु के रूप में नहीं है, तो ये एक तरह से इस प्रकार की नया जाल में पड़े रहना ये भी एक वृत्ति है, इस वृत्ति का भी निरोध बहुत जरूरी है। इसके बाद निद्रा वृत्ति आती है। मैं समझता हूं कि पतंजलि तो कहते हैं अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा के, अभाव यानी नींद
जब तीन अवस्थाएं देखी जाती, या तो हम जाग रहे होते हैं, या स्वप्न देख रहे होते हैं, या सो रहे होते हैं। तो अगर निद्रा अवस्था को परिभाषित करना है, इसका मतलब है कि जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था के प्रत्येक के अभाव को प्रतिबिंबित करना, ये जो है निद्रा अवस्था कहलाती है। तीन अवस्थाएं, दो के अभाव का प्रत्यय है, इसका मतलब है कि तीसरी अवस्था होती है। तो इसलिए निद्रा अवस्था की बात करते हैं कि अभाव प्रत्यालंबना द्वितीय निद्रा, यानी जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था के अभाव के प्रत्यय का आलिंबन करने वाली द्वितीय निद्रा है। तो ये नींद जो है योग के लिए बाधक मानी जाती है, नींद भी बाधक मानी जाती है, क्योंकि कहते हैं जो जितना सोता है वो इतना खोता है। भगवान महावीर के बारे में आता है कि उन्होंने 12 वर्ष तक साधना की थी, और यानी अपनी पूरे साधना काल में कहते हैं कि वो एक मुहूर्त नींद लिए थे। ऐसी मान्यता है, एक मुहूर्त नींद। आप सोचो, हम लोग तो आश्चर्य करेंगे, एक मुहूर्त यानी 48 मिनट की नींद इतने लंबे काल में, तो ये एक असंभव सा प्रतीत होता है। तो इसी तरह से योगी साधक लोग जो है वो नींद पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि नींद एक वृत्ति है और इस वृत्ति को जीतना बहुत जरूरी होता है। और अंतिम वृत्ति है स्मृति, निद्रा स्मृति है। अस्मृति वृत्ति जो है कहते हैं कि अनुभूत विषया संप्रमोषा स्मृति। स्मृति को समझना है तो अनुभूति को समझना होगा। मित्रों, कहा यह जाता है कि स्मृति जो है वो अनुभूति के बाद की होती है। जिस चीज की आपको अनुभूति नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं है, या किसी माध्यमों से अनुभूति नहीं है, तो आप उसकी स्मृति नहीं कर सकते। अगर हम अमेरिका नहीं गए हैं तो अमेरिका की अनुभूति जो है हम नहीं कर सकते। तो इसलिए जो जिस चीज का अनुभव करता है उसी की स्मृति उसको होती है। तो अनुभूत विषय संप्रमोषा, अनुभव किए गए विषय को न चुराना यानी प्रकट कर देना, यही स्मृति है। तो ये स्मृतियां चाहे सुखद स्मृति हो चाहे दुखद स्मृति हो, ये दोनों ही ये एक तरह से योग साधना में बाधक मानी जाती है। तो जो कहा गया कि वृत्तीय पंच तय क्लिष्टा क्लिष्टा, चाहे वो क्लेशकारी हो या क्लेशकारी हो, जैसे जैसे अगर किसी को बांध दिया जाए, अब वो चाहे लोहे की जंजीर हो चाहे सोने की जंजीर हो, अब वो सोने की जंजीर में बंधा हुआ व्यक्ति क्या इस कारण से खुश होगा कि वो सोने की जंजीर में बंधा है? मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। जैसे एक बंद पिंजरे में तोता, जिसे हर व्यंजन खाने को मिल रहा है, लेकिन उस बंधन को बर्दाश्त नहीं करता, जैसे ही पिंजरा खुलता है वो भाग जाता है। तो इसका मतलब है कि ये बंधन चाहे सुखकारी हो या दुखकारी हो, ये यानी वृत्तियां चाहे क्लेशकारी हो अक्लेशकारी हो, ये वृत्तियां जो हैं ये ठीक नहीं है, इसीलिए इनके निरोध की बात कही गई, यानी योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। तो ये पांचों वृत्तियों के निरोध को योग माना गया। तो प्रश्न उठता है कि इनका निरोध कैसे होगा? तो गीता भी कहती है और पतंजलि ने भी कहा है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम का निरोध है। अभ्यास और वैराग्य से इसका निरोध होता है। मित्रों, बहुत अच्छी बात कही है अभ्यास की, और मैं समझता हूं कि ये केवल चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिए ही नहीं है अभ्यास। अभ्यास जो भी आप संकल्प लेते हैं, जिस भी कार्य करने की इच्छा आपकी होती है, उस इच्छा की पूर्ति में अभ्यास बहुत जरूरी है। और अभ्यास के लिए जो पतंजलि ने बातें बताई है कि सतु दीर्घ कालम निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, यानी ये जो सतु दीर्घ कालम निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, अभ्यास के लिए जो तीन बातें बतलाई गई, मैं समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अभ्यास कर रहा हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, तो उसके लिए ये तीन बातें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। उसका अभ्यास जो है दीर्घ काल तक का होना चाहिए, लंबे समय का होना चाहिए, और उस अभ्यास में
निरंतरता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। उस बच्चे की तरह नहीं जिस बच्चे ने आज 8 घंटे पढ़ाई कर ली और फिर कहा पापा 8 दिन की छुट्टी, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि फिर वो 8 घंटे की पढ़ाई जब 8 दिन बाद वो बैठेगा पढ़ने के लिए तो लगेगा कुछ पढ़ाई। तो ये अभ्यास में दीर्घकाल का समय तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कंटिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं या साधना कर रहे हैं जितने समय की, वो निरंतर करते रहनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। लेकिन जो तीसरी बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण कही है मुझे कि दीर्घकाल का अभ्यास है और उसके साथ ही साथ जो है कंटिन्यूटी भी है, लेकिन अगर तीसरी बात नहीं है, वो तीसरी बात क्या है? वो तीसरी बात है कि अगर आप किसी कार्य को रुचि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास के साथ नहीं करते हैं, यानी उसके साथ तादात्म्य स्थापित करके नहीं करते हैं, रुचि पूर्वक नहीं करते हैं, तो फिर वो काम किसी काम का नहीं हुआ, किसी कोई फायदा नहीं हुआ। जिस तरह से हम देखते हैं कोई बच्चा जो है पिताजी घर पे हैं तो वो बस्ता लेके बैठ गया, 4 घंटे पिताजी हैं तो 4 घंटे बस्ता लेके बैठ गया, लेकिन जब वो पिताजी चले जाते हैं तो बस्ता रखा चल दिया। और दूसरे दिन पूछा जाता है बेटा क्या पढ़े 4 घंटे, सिफर, क्यों? क्योंकि उसने तो दिखाने के लिए बैठा था, उसका तो मनोयोग था ही नहीं, रुचि थी नहीं, आस्था थी नहीं और अध्ययन के प्रति विश्वास था ही नहीं। तो मित्रों ये जो है तीसरी बात भी महत्वपूर्ण है कि सत्व दीर्घकालम नैरंतर्य सत्कार से भी तो ये तीनों बातें महत्वपूर्ण है किसी चीज को दृढ़ करने के लिए। तो इसलिए जो पतंजलि ने जो अभ्यास के ये 3 महत्वपूर्ण आयाम बतलाए हैं, ये योग साधना में तो है ही, चित्त की वृत्तियों के निरोध में तो है ही, लेकिन ये प्रत्येक क्षेत्र में कारगर है। एक IAS बनने के लिए कोई विद्यार्थी तैयारी करता है तो उसके लिए भी ये अभ्यास के 3 आयाम महत्वपूर्ण हैं। दूसरी बात जो है अभ्यास, जब इन तीनों के साथ अभ्यास होता है, दूसरी बात कहा गया कि वैराग्य। वैराग्य 2 प्रकार का माना गया है, अपर और पर वैराग्य। अपर वैराग्य में वो कहते हैं कि दृष्टानुश्रविक विषय विस्तृत वशीकार संज्ञा वैराग्य। मित्रों समझने की बात है कि यहाँ पतंजलि केवल दृष्ट विषय की बात नहीं कर रहे, यहाँ अनुश्रविक विषय की बात कर रहे हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं भाई चलो दृष्ट विषय पर हमने जीत हासिल कर ली है, वैराग्य कर लिया, यानी अब मुझे इस संसार में किसी चीज से मोह नहीं है, न पद से, न यश से, न सत्ता से, न वस्तु से, न धन धान्य से, किसी चीज से अब मोह नहीं है। लेकिन अगर आपको अनुश्रविक है, अनुश्रविक क्या है, सुना हुआ कारण क्या है, अनुश्रविक क्या है, स्वर्ग कामो यजेत, यानी स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ में राजा बनना, स्वर्ग में स्वर्ग प्राप्ति, स्वर्ग में राजा बनना, स्वर्ग में अप्सरा सुख, ये सारी चीजें अगर आपकी यानी अनुश्रविक आपका लक्ष्य बनता है दृष्टि की अपेक्षा, तो भी कह रहे हैं वो बैरागी नहीं कहलाए। वैराग्य जो है वो दृष्ट और अनुश्रविक दोनों प्रकार के विषयों से जब वितृष्णा होती है, उधर कपिल भी कहते हैं अदृष्ट वदा अनुश्रविक सै विशुद्ध ख्यात से युक्त तद विपरीत श्रेयाना व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञाना, ये व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञाना तब होगा जब दृष्ट अदृष्ट, दृष्ट और अनुश्रविक विषय से वितृष्णा हो जाएगी। मित्रों ये बहुत जरूरी है, यानी केवल सांसारिक वस्तुओं का त्याग ही नहीं, सांसारिक वस्तुओं का त्याग ही नहीं। हम लोग एक कथा सुनते आ रहे हैं कि राजा त्रिशंकु को लगा कि बहुत दिन से राज सुख ले लिया, राजा का सुख ले लिया, अब मुझे स्वर्ग जाना है, लेकिन स्वर्ग जाएंगे तो ये हाथ जो सहायता के लिए मचल पड़ते हैं, ये पैर जो दौड़ पड़ते हैं करुण क्रंदन को सुन करके, तो इन पैरों को इन हाथों को यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे, हम तो इन्हें लेकर के जाएंगे स्वर्गलोक में लेके जाएंगे। तो अब कैसे जाएं, इसके लिए वशिष्ठ के पास जाते हैं,
वशिष्ठ ने मना कर दिया, फिर विश्वामित्र के पास जाते हैं, विश्वामित्र ने मना कर दिया, तो फिर ये कहते हुए निकल पड़ते हैं कि पता नहीं आज कैसा योग है कि वशिष्ठ ने भी मना कर दिया और विश्वामित्र ने भी मना कर दिया। तो विश्वामित्र के कान में जब ये बात गई कि वशिष्ठ ने मना कर दिया, तो कहा आओ इधर आओ, क्या वशिष्ठ ने मना कर दिया है? विशंकु ने कहा हाँ मना कर दिया है, तो ठीक है तब मैं तुम्हें जो है स्वर्ग भेजूंगा। तो कहते हैं कि वो यज्ञ के धुएं से भेजना शुरू किया और उधर इंद्र का सिंहासन डोलने लगा, और इंद्र ने सोचा कि ये अप्राकृतिक काम कैसे हो रहा है, अब तक तो ऐसा संभव नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति जो है हाथ पैर शरीर के साथ स्वर्ग लोक में आए। तो उधर से कहते हैं इंद्र ने कोशिश की कि हम ऊपर आने नहीं देंगे, इधर से विश्वामित्र ने कोशिश की हम नीचे नहीं गिरने देंगे। त्रिशंकु बीच में लटक गए, जो आज एक उदाहरण बन गया, एक मुहावरा बन गया कि क्यों त्रिशंकु बने फिरते हो, यानी क्यों बीच में लटके हुए हो। तो जब कोई व्यक्ति नहीं किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है तो उसे ये त्रिशंकु की स्थिति मानी जाती है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि जो कपिल मुनि कहते हैं और पतंजलि वान कह रहे हैं कि दृष्टानुश्रित विषय भी कृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्य और तत् परम पुरुष कातिर गुण वैकृष्णम, यानी अब जो है वही आत्मा और परमात्मा, या एक तरह से प्रकृति और पुरुष का वियोग होना, आत्मा परमात्मा का मिलना, ये जो स्थिति है ये अभ्यास और वैराग्य से संभव है। यानी इस तरह से चित्त की वृत्तियों का निरोध इन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पातंजल योग दर्शन में चित्त की वृत्तियों के निरोध की बात कही गई है। मित्रों, जब हम जैन दर्शन में आते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैन दर्शन में तो वैसे योग कहा गया है कि काय वांग मनो व्यापारो योग है। एक तरह से जो परिभाषा मिलती है कि शरीर, वाणी और मन, इन तीनों की प्रवृत्ति योग है। लेकिन कालांतर में जो है वो माना गया कि निवृत्त योग की भी बात की गई, और हरिभद्राचार्य ने तो यहां तक कह दिया कि मोक्षेण जोय मारो योग, यानी जो मोक्ष की ओर ले जाता है वो योग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि योग जो है वो मोक्ष का साधन है, और मोक्ष में क्या होता है, मोक्ष में यानी आत्मा परमात्मा का रूप हो जाता है। इसका मतलब यानी विशुद्ध आत्मा, जिसे शुद्ध आत्मा कहते हैं, वो परमात्मा, तो वो जो है योग के माध्यम से होता है। तो वही बात एक तरह से हम जैन दर्शन में देखते हैं कि योग जो है जीवन की जो अंतिम सिद्धि है, क्योंकि भारतीय दर्शन का लक्ष्य क्या है, the ultimate end of life is liberation, यानी जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो मोक्ष है, और वो मोक्ष जो है वो प्राप्त होता है योग के मोक्ष जो है मार्ग योग। वैसे तो जैन दर्शन में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग की बात कही गई है, पर मोक्षण जो मानव योग, हरिभद्राचार्य जो कहते हैं कि योग जो है वो मोक्ष की ओर ले जाता है। तो इससे भी हमें ये लगता है कि जो अंतिम सिद्धि है मोक्ष की, यानी आत्मा की जो विशिद्ध स्थिति, तथा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम की जो स्थिति पतंजलि कहते हैं, तो वो स्थिति जो है यानी कसाय रहित, कर्म कालुष्य से रहित, तो कर्म कालुष्य से रहित बिल्कुल शुद्ध रूप जो आत्मा का है वो योग से प्राप्त होता है, ऐसा जो है हम जैन दर्शन में देखते हैं। इसी तरह से जब हम बौद्ध दर्शन पे विचार करते हैं तो वहाँ समाधि योगस्य की बात आती है कि समाधि को योग कहा गया है, और बहुत बड़ी बात है कि बौद्ध दर्शन में अष्टांग मार्ग की बात है। पतंजलि ने जो अष्टांग योग का यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो हम बौद्ध दर्शन में अष्टांग मार्ग देखते हैं, और वो जो अष्टांग मार्ग है, क्योंकि बौद्ध दर्शन का निचोड़ जो है वो चत्वार आर्य सत्यानि, यानी जो चार आर्य सत्य हैं, चार आर्य सत्य दुख, दुख समुदय, दुख निरोध मार्ग। तो ये जो दुख निरोध मार्ग है वही तो योग है,
दुख निरोध मार्ग ही तो योग है, और वो दुख निरोध मार्ग जो है वो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये जो अष्टांग योग यानी सम्यक समाधि तक जो लेकर के आते हैं, सम्यक दृष्टि से लेकर के, तो ये हम देखते हैं कि बौद्ध दर्शन में ये एक तरह से अष्टांग मार्ग जो है एक तरह से अष्टांग योग का रूप है, जिसका अंतिम लक्ष्य जो है वो समाधि और समाधि योगस की अवधारणा हम बौद्ध दर्शन में देखते हैं। समय की बात इसलिए विस्तार में न जा करके अब मैं थोड़ा सा अंत में ये देखना चाहता हूँ कि जो हमारा वेदांत दर्शन है, वेदांत कहते हैं कि वेदों के अंतिम भाग उपनिषद पर आधारित जो दर्शन है वो वेदांत दर्शन है, और वेदांत में अद्वैत वेदांत यानी शंकर वेदांत और विशिष्टाद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, शुद्धाद्वैत वेदांत, द्वैताद्वैत वेदांत, यानी ये कई प्रकार की धाराएं निकली, और विशेष रूप से जो हम समझते हैं कि शंकराचार्य जिनके बारे में कहा जाता है अष्ट वर्षे चतुर्वेदी द्वार से सर्वशास्त्र सोड से कृतवान भाषण द्वा त्रिंशे मुने रखेगा। मित्रों केवल 32 साल में आचार्य शंकर ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध करके अहम ब्रह्मास्म का डंका बजा करके अद्वैत वेदांत की चतुर्दिक गूंज करके, और उन्होंने जो ये नित्यानित्य वस्तु विवेक की बात कही, ये सही मायने में योग की बात है। यह मूत्रार्थ भोग विराग की जो बात कही ये सही मायने में योग की बात है कि नित्य और अनित्य में विवेक होना चाहिए। यानी योग जो है ये खींचता है कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है, पता, यानी जब आपको ये पता लग गया कि आत्मा नित्य है, ये शरीर अनित्य है, तो क्यों शरीर को चाहेंगे, हम तो आत्मा को चाहेंगे। तो ये योग के माध्यम से नित्यानित्य वस्तु विवेक की बात आती है। यह मूत्रार्थ भोग विराग यानी जो इह और अमूत्र, ये लौकिक और पारलौकिक जो विषय हैं उनसे विराग होना, ये भी योग के माध्यम से होता है। तो मैं समझता हूं कि शंकराचार्य ने इस तरह से अद्वैत वेदांत के अंतर्गत वो कहते हैं कि एकमेव परमार्थ सत अद्वयम् ब्रह्म माया विद्या विविधा अनेकधा विभाषते, लेकिन इदं तु पारमार्थिकं कूटस्थं नित्यं वेम सर्वव्यापी सर्वक्रिया रहितं नित्य तिप्तं व्योमवत् सर्वक्रिया रहितं स्वयं ज्योतिष स्वभावं तदेतत् शरीरत्वं मोक्षार्थम्। मित्रों यदि इस तरह से जो योग की परिणति है, यदि वही जब नित्य और अनित्य वस्तु में विवेक कर लेंगे या मूत्रार्थ भोग विराग एक तरह का जो ज्ञान योग है, ज्ञान योग की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेंगे, तो हमारा जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि विविध भारतीय दर्शन में जो योग के लिए अलग अलग शब्दावलियां दी गई हैं, अलग अलग शब्दावलियां, क्योंकि मूलतः तो कहते ना कि सभी भारतीय दर्शनों का निचोड़ उपनिषद है। यमिरन्ना ने कहा था, यमिरन्ना ने, कि सभी भारतीय दर्शन का निचोड़ उपनिषद है, और जो उपनिषद हमें आम ब्रह्मास्म तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म सर्वम खलु इदं ब्रह्म की बात करता है, तो उसी को लेकर के सभी लोगों ने योग के संदर्भ में अलग अलग शब्द दिए। अगर इन सबको समायोजित करें, समत योग की बात करें या निष्काम कर्म योग की बात करें या ज्ञान योग की बात करें या चित्त वृत्तियों के निरोध की बात करें, तो मैं समझता हूं कि वो सब इस रूप में ही प्रतिपादित होते हैं कि हर स्थिति में सम रहने का अभ्यास व्यक्ति को होना चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हम तटस्थ भाव से, माध्यस्थ भाव से अगर हम रहते हैं, तो हर स्थितियों का मुकाबला जो है कर सकते हैं, क्योंकि ये जीवन है। जीवन में तो अंधेरा भी आएगा, लेकिन अंधेरा छटेगा भी और प्रभात होगी भी। मित्रों मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही विषम स्थिति है। अभी जिस विषम स्थिति की बात हम कर रहे हैं, वो विषम स्थिति ये 2019 से चल रही है।
यानी कोविड-19 महामारी, जिसका जो है ये दूसरा वेग अब दर्शत है तीसरे वेग की, लेकिन इन वेगों में जिन्होंने योग साधना को जीवन का रक्षा कवच के रूप में अपनाया है, आज भी एक शोध आया है कि जिन व्यक्तियों ने योग को जीवन का अंग बनाया है उन्हें ऑक्सीजन के लिए किसी वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने से ही अपने अंदर से जो है वो ऑक्सीजन जनरेट कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरत है कि योग को जीवन का अनिवार्य अंग बनाना, न केवल अंग बनाना बल्कि नियमित योग की साधना करते रहना। ये जो श्वास प्रेक्षा है, दीर्घ श्वास प्रेक्षा है, अनुलोम विलोम है, ये हैं जीवन में आप निरंतर करते रहें, कुछ आसन करते रहें और तो निश्चित रूप से इस महामारी को हम जीत सकते हैं और किसी भी स्थिति में हमें अपने समता भाव को नहीं खोना है, सम रह करके इन यानी दुष्कर परिस्थितियों को, विषम परिस्थितियों को जीतने का अभ्यास करना है। मित्रों, इन्हीं शुभ भावना के साथ मैं जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने का, ये एक महत्वपूर्ण अवसर जो है, और मैं समझता हूँ कि इससे मेरे गौरव की वृद्धि हुई है और इसलिए मैं आप सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आपने योग सप्ताह के रूप में मनाया और पांचवें दिवस मुझे बोलने का अवसर दिया है, मैं एक बार पुनः संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय परमादरणीय आचार्य प्रोफेसर आनंद प्रकाश तिवारी जी, आपने योग के माध्यम से विभिन्न योग के विभिन्न पहलुओं पर बहुत सुंदर व्याख्यान दिए, विभिन्न भारतीय आर्ष ग्रंथों से उदाहरण दिए। हम निश्चित रूप से यह आशा करते हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस सुंदर ज्ञानवर्धक वेबिनार के माध्यम से विभिन्न प्रांतों से हमारे सम्मानित प्राध्यापक प्राध्यापिकाएं, शोध छात्र एवं छात्राएं जो जुड़े हैं, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके इस ज्ञानवर्धक व्याख्यान के द्वारा उनको बहुत आनंद आया होगा, उनके जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ होगा। आपने विभिन्न योग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की, कतिपय कुछ सूत्रों को मैं उद्धृत करना चाहता हूं। जीवन के हर परिस्थिति में हमें सम रहना चाहिए, बहुत सुंदर आपने बात कही है। आपने कहा कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, अर्थात सुख और दुख में हमें एक बराबर रहना चाहिए, यही योग है, यही योग की पहचान है। और जीवन में संघर्ष आते रहते हैं, उन संघर्षों को हमें हमेशा जीवन का अंग समझ करके जीना चाहिए। योगः कर्मसु कौशलम्, बहुत अच्छी सूत्र की यह आपने बात बताई, और आपने यह बताया कि निष्काम कर्म करना चाहिए। आसक्ति का दुष्परिणाम बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही बुरा होता है। आपने उस श्लोक के माध्यम से हा हंत हंत वाली जो बात आपने कही, गज उज्जहारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा। अहंकार योग में बहुत बड़ा बाधक है, जीवन में अहंकार जो है कभी नहीं करना चाहिए। और कर्म, आसक्ति, कर्म, ज्ञान, कल्याण, ये तीन मार्ग हैं जीवन में सफलता के, योग के माध्यम से ही इनको प्राप्त किया जा सकता है। योगस्य चित्त निवृत्ति निरोधा, ये पांच वृत्तियां हैं, इनको कैसे रोकें। और जीवन में अभ्यास का बहुत बड़ा महत्व है। सर्परज्जु न्याय के माध्यम से सत्य और असत्य
की जो धारणा है, जो पहचान है, वह भी योग के माध्यम से हम जान सकते हैं। साधना का कितना महत्व है योग में, जीवन में साधना का कितना महत्व है, आपने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। और जीवन में अभ्यास, किसी भी चीज का जब तक हम अभ्यास नहीं करते हैं, पूर्ण अभ्यास नहीं हो जाता है, तब तक हमें सफलता नहीं मिलती है। अर्थात जीवन में अभ्यास बहुत बड़ी बात है। और अंत में आपने यह बताया कि जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना, तो यह मोक्ष हमें योग के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। तो योग मतलब एक ऐसा ऑक्सीजन है जिसमें हमें बाहरी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतनी अमूल्य जानकारी आपने हमें इस वेबिनार के माध्यम से दी, हम बहुत ही आह्लादित हैं, बहुत ही खुश हैं और बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना अमूल्य समय हमारे इस कार्यक्रम में दिया, आपने ज्ञानपूर्ण इतनी सुंदर वार्ता की। सर, एक बार फिर हम आपको नमन करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। व्याख्यानमाला की इस अगली कड़ी में मैं जगतगुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के योग विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर अम्बरीश राय जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर अम्बरीश राय योग विभाग में बहुत ही कुशल और बहुत ही योग प्राध्यापक हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। योग विभाग में प्राध्यापक रहते हुए भी आप विश्वविद्यालय के और भी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। आपको भी मैं सादर नमन करता हूं और आमंत्रित करता हूं आपके व्याख्यान के लिए। हेलो डॉक्टर अम्बरीश राय जी। हेलो हेलो जी सर, बोलिए। आवाज जा रही है? जी जी आ रही सर, आ रही। चलिए, धन्यवाद संचालक महोदय। अभी आज बहुत ही गर्व का हमारे लिए विषय है कि हमारे विश्वविद्यालय के योग विभाग और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 7 दिवसीय 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और लगता है कि हमारे योग विभाग के प्रभारी विभाग अध्यक्ष श्री जितेन जी ने कुछ सोचकर है कि 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसलिए 7 दिवसीय ही इस जो व्याख्यान माला और योग प्रैक्टिसेज का ये कार्यक्रम रखा है, उसका आज संयोग से 5वां दिवस है। अपने भारतीय संस्कृति में 5 का महत्व है, योग में भी 5 का महत्व है। हम 5 प्राण जानते हैं, 5 महाभूत है, 5 तन्मात्राएं हैं। इस प्रकार से 5वां आज व्याख्यान का दिवस है। इस आज के दिवस पर विशेष रूप से मैं योग विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष श्री जितेंद्र प्रताप जी एवं अपने विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना के चारों कार्यक्रम अधिकारियों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आज इस 7वें विश्व योग दिवस की 7 दिवसीय कार्यशाला में 5वें दिन मुझे बोलने का अवसर दिए। अभी हमसे पूर्व जो विद्वान वक्ता प्रोफेसर त्रिपाठी जी का व्याख्यान हम सब लगभग 1 घंटे सुने, उनका विषय भी ऐसा था कि विभिन्न दर्शनों में योग का स्वरूप, और उन्होंने बहुत विद्वत्तापूर्ण ढंग से और बहुत विस्तृत रूप से योग की विस्तृत प्रस्तुति हम सबके सामने रखी। और 5 दिन से लगभग हम लोग सुन रहे हैं, रोज 2-2 व्याख्यान होते हैं, तो लगभग कोई विषय ऐसा छूटा नहीं है जो नवीन होगा। पुनरावृत्तियां हो सकती हैं क्योंकि लंबे दिन से व्याख्यान चल रहा है, और अभी जो विद्वान वक्ता ने बोला, उन्होंने बहुत विस्तृत ढंग से योग को प्रस्तुत किया। समय तो क्यों संचालक महोदय, समय 5 बजे तक है ना? हेलो जी सर,
हाँ सर जी 5 बजे तक। अच्छा अच्छा जी जी सर बोले। तो फिर भी एक समय की सीमा में हम संक्षेप में जो हमारा विषय है एथिक्स ऑफ योगा, योग का नीति शास्त्र, अपने विषय पर मैं आता हूं। और अगर हम देखें बहुत हम योग की गहराई में, योग के सिद्धांतों की गहराई में नहीं जाकर कुछ सामान्य सी बातें योग के विद्यार्थी होने के नाते जो करणीय हैं उनको मैं सबके समक्ष रखने का प्रयत्न करूंगा। हम सब जानते हैं कि योग विद्या हमारी भारतीय संस्कृति की प्राचीन विद्या है। प्राचीन विद्या है यानी कि महर्षि पतंजलि से पहले भी योग हमारी भारतीय संस्कृति में था। लेकिन प्रश्न उठता है कि महर्षि पतंजलि को जब हम दर्शनों की बात आती है, योग दर्शन की बात आती है, तो महर्षि पतंजलि को योग का प्रणेता आचार्य मानते हैं। तो योग तो अनादिकाल से चला आ रहा है, प्रथम प्रवक्ता के रूप में हिरणगर्भ को हम मानते हैं और अनेक विद्वानों में ये है कि हिरणगर्भ कौन हुए, तो कुछ विद्वानों का ये है कि वो कोई व्यक्ति नहीं थे, ब्रह्मा को ही हिरणगर्भ मानते हैं और ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को योग विद्या दी और उनके माध्यम से हमारे तक यह योग विद्या आई। लेकिन हमारे मन में प्रश्न उठता है कि महर्षि पतंजलि को प्रणेता आचार्य जब मानते हैं तो उसके पीछे कोई कारण होगा कि योग के क्षेत्र में उन्होंने कुछ बहुत बड़ा अवदान किया होगा। तो हम देखते हैं कि योग विद्या हमारे वैदिक ग्रंथों में, आर्ष ग्रंथों में और स्मृतियों में, पुराणों में, हर जगह सर्वत्र बिखरे हुए योग के ज्ञान, योगी ज्ञान बिखरे हुए। कहते हैं सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि जी ने उन यौगिक ज्ञान को, योग ज्ञान को एक क्रमबद्ध और वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करके हम मानव जीवन के कल्याण के लिए प्रस्तुत किया, इसलिए उनको हम योग का प्रणेता आचार्य मानते हैं। वह योग के बिखरे हुए ज्ञान को उन्होंने संकलित कर और व्यवस्थित और वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, इसलिए उनको प्रणेता आचार्य मानते हैं। तो उन्होंने बहुत साइंटिफिकली हम कह ले कि योग को क्रमबद्ध रूप से अपने योग सूत्र में व्याख्यायित किया है। और योग जैसा कि अभी हमारे पूर्व आचार्य ने भी बताया कि युजीर समाधौ, महर्षि व्यास ने अपने व्यास भाष्य में कहा भी है कि योग क्या है, तो योग समाधि, योग समाधि है, योग और समाधि समानार्थक है। यानी हमको समाधि तक पहुंचना है, समाधि की अवस्था तक पहुंचना है, यह अंतिम लक्ष्य है, साध्य है हमारा। तो उसके लिए साधन, साधन तो महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में, हम विस्तृत उसका अध्ययन करेंगे, गंभीरता से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि हम देखते हैं कि 3 प्रकार के साधनों का उन्होंने वर्णन किया है। जैसे कि उन साधकों की 3 प्रकार के साधक भी होते हैं, उत्तम किस्म के साधक, मध्यम किस्म के साधक और हम जैसे सामान्य साधक। और तीनों स्तरों के साधकों के लिए, जैसे हम कक्षाओं में देखते हैं कि कोई बहुत टैलेंट बच्चा होता है, बहुत तेज बच्चा होता है, तो उसके लिए कुछ दूसरा उपाय समझाने के लिए हम चयन करते हैं, कोई मध्यम श्रेणी का बालक है तो उसके लिए दूसरा साधन अपनाते हैं, कोई बहुत सामान्य बालक है तो उसके लिए हम कोई दूसरा साधन अपनाते हैं। उसी प्रकार से योग साधना के हम मोटे तौर पर 3 साधन योग सूत्र में हमें मिलते हैं। उत्तम साधकों के लिए, जैसा कि अभी बहुत विशद रूप से चर्चा हमारे पूर्व आचार्य ने अभ्यास और वैराग्य की किया, यह उत्तम श्रेणी के साधकों के लिए अभ्यास और वैराग्य ये साधन है। योग में जैसा कि हम सब जानते हैं, पूर्वाचार्यों ने कहा कि योग क्या है, तो चित्त वृत्तियों का निरोध है। चित्त की वृत्तियां क्या हैं, चित्त क्या है, तो सामान्यतः चित्त को जो योग में परिभाषित है, चाहे हमारे दर्शन में परिभाषित है, चित्त को हम अंतःकरण भी कहते हैं। और चित्त बुद्धि अहंकार और मन, बुद्धि अहंकार और मन के समन्वित स्वरूप को हम चित्त कहते हैं।
और इस चित्त की वृत्तियां होती हैं, बहुत विशद वृत्तियों की व्याख्या हमारे पूर्व आचार्य ने किया है, इसलिए उसमें मैं नहीं जाऊंगा, कि इन इस वृत्तियों पर नियंत्रण करना, चित्त पर अपना नियंत्रण स्थापित हो उसके लिए ये जो हमारा मन है, हम गीता में देखते हैं भगवान कृष्ण तमाम प्रकार के सांख्य योग और भक्ति योग ज्ञान योग सबका उपदेश युद्ध के मैदान में अर्जुन को देते आते हैं, अंत में कहते हैं कि मन स्थिर होता है तो योग के तरफ हम प्रवृत्त होते हैं। तो तमाम साधना के बाद भी मन को स्थिर करना इतना आसान काम नहीं है। जब अर्जुन जैसा साधक, श्रेष्ठ किस्म का साधक, उसके लिए जब कठिन हुआ तो हम तो सामान्य साधक हैं। तो गीता के छठे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमथि बल वध दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरपि सुदुष्किरम। हे कृष्ण, यह मन अत्यंत चंचल है, वायु के समान इसको रोकना कठिन है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कृष्ण भगवान कहते हैं कि निसंदेह अर्जुन, यह मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य, यह दो ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यह श्रेष्ठ साधकों के लिए महर्षि पतंजलि ने योग साधना बताया कि अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से, और इसकी विशद व्याख्या भी हो चुकी है अभ्यास और वैराग्य की, और इसके माध्यम से हम मन को अपना नियंत्रण करते हैं। मध्यम श्रेणी के साधकों के लिए महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग का विधान किया। क्रिया योग यानी तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यह तीन क्रिया योग महर्षि पतंजलि ने बताया। अब तप की साधना, इसकी भी सामान्य अर्थ में व्याख्या करें तो हम किसी भी परिस्थिति में जैसे भी रहें, भाव अभाव सुख दुख, जैसा कि अभी हमारे पूर्व आचार्य ने कहा सुखे दुखे समय कृत्वा, ये लाभालाभ हो जाए, ये सब किसी भी परिस्थिति में हम तपस्या जनित हमारा जीवन हो, ये तप है। स्वाध्याय, स्वाध्याय भी एक योग है। आप जैसे स्वाध्याय किस प्रकार से योग के रूप में उसका प्रयोग करेंगे, ये एक योग का साधन तो है। स्वाध्याय में भी विशेष प्रकार का, हमें महर्षि पतंजलि ने कहा स्वाध्याय कुछ भी पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। किसी भी फिल्मी, अगर हम मैगजीन पढ़ते हैं या कोई ऐसी भी उत्तेजना पैदा करने वाले साहित्य पढ़ते हैं तो वो योग के अनुसार स्वाध्याय नहीं माना जाएगा। तो स्वाध्याय क्या है? सद ग्रंथों का अध्ययन, जो हमारी वृत्तियों की चंचलता को रोके और ईश्वर की तरफ या सात्विक वृत्तियों की तरफ हमारे मन को, हमारी वृत्तियों को अग्रेषित करे, ऐसा अध्ययन को स्वाध्याय माना गया है। और स्वाध्याय एक ऐसा योग है, अभी जैसा जैसे पेंडेमिक में हम लोग रहे घरों में रहकर, एक दूसरे से हम सबका मिलना जुलना सब बंद था, ऐसी स्थिति में टीवी समाचार पत्र भी लोग पढ़ना बंद कर दिए थे, ऐसा दहशत का माहौल था। लेकिन ऐसे में जो योग साधक हैं, जो इस क्रिया योग के मर्म को समझने वाले साधक हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कि एक कहावत है ना, जिसको कहते हैं कि लाइब्रेरी इज होम फॉर होमलेस और बुक इज फ्रेंड फॉर फ्रेंडलेस, यानी किताबें मित्रहीनों के लिए मित्र हैं। तो ये कोरोना काल में जो सद ग्रंथों का, कोई किताब पढ़ने से हमारा स्थिर चित्त नहीं हो सकता है, तो ऐसे सद ग्रंथ जो हमारे पास उपलब्ध थे इस कोरोना काल में, लोग उसी को, एक बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं और देखता हूं कि इसको अध्ययन करके अपना समय व्यतीत करते थे और अपने मन को शांत करते थे। कोई रामायण का अध्ययन, कोई गीता का अध्ययन, बहुत सारे लोग इसमें महाभारत के कई खंड का अध्ययन कर चुके। तो ये जो हमारे आर्ष साहित्य है, सद साहित्य है, जो हमारी वृत्तियों को शांत करने वाले, सात्विक वृत्ति पैदा करने वाले हैं, ऐसे ग्रंथों के अध्ययन को हमारे यहाँ स्वाध्याय कहा गया है। और इसके बाद तीसरा जो बताया गया है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान
मतलब ईश्वर के शरण में आना। जब कुछ नहीं समझ में आता है, गीता में भी हम देखते हैं 18वें अध्याय में गीता के, जब अर्जुन को सारी बातें समझा लेते हैं और सब कहते हुए भगवान कृष्ण आते हैं तो कहते हैं कि कुछ जब समझ में नहीं आता है तो 18वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं माम एकाम शरणम ब्रज, तुम मेरी ही शरण में आ जाओ। यानी वह ईश्वर प्रणिधान है। जब जिसको कुछ समझ में ना आया है तो जब कहते हैं ना जो हारे को हरिनाम, ईश्वर के शरणागत हो जाना, उस समय सारा कलुष मन का मिटाकर सब कुछ भूलकर हम ईश्वर के शरणागत हो जाएं, यह भी चित्त की वृत्तियों को शांत करता है और हमें आगे बढ़ाता है। और जो प्रचलित है एक सामान्य साधक के लिए, उसके लिए हम कहते हैं कि महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का विधान किया। यह अष्टांग योग, अब इसमें जो हमारा विषय है एथिक्स ऑफ योगा, अष्टांग योग में क्या कारण है, जैसे कोई भी रचना होती है वह एक व्यवस्थित होती है, कोई भी श्रेष्ठ कार्य जो होता है व्यवस्थित होता है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का जब वर्णन किया तो एक क्रम रखा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 उनके अष्टांग योग हैं। यह सामान्य साधक के लिए योग साधना के साधन हैं। अब इसी में योग का एथिक्स समाहित है और यह ऐसा एथिक्स है जिसको हम सब जानते हैं कि दुनिया का कोई भी सामाजिक व्यक्ति या चरित्रमान व्यक्ति या जो भी है, सारे धर्म दर्शन इन सबको यम और नियम को मानते हैं। महर्षि पतंजलि चाहते तो क्रम उल्टा भी रख सकते थे, पहले आसन करें जैसा हम करते हैं आजकल तमाम योग में, ये चल गया है, हम आक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज वस्तुतः योग के नाम पर वर्तमान में जो कुछ भी किया जा रहा है वह केवल शारीरिक या मानसिक व्यायाम मात्र है। इसके द्वारा जो भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है यह शारीरिक, प्राणिक और मानसिक आवश्यकता की पूर्ति ही अधिक है। इस रूप में हम योग को न समझकर उसके स्वरूप, उद्देश्य और महत्व को सीमित कर देते हैं, बल्कि एक सीमा तक यह विकृत भी हो जाता है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि योग का कोई लौकिक पक्ष नहीं है, केवल योग आध्यात्मिक साधना है, लेकिन उस वैज्ञानिकता को समझने की आवश्यकता है जिस वैज्ञानिकता की भावना से महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग को प्रस्तुत किया। हम छलांग नहीं लगा सकते हैं, छलांग लगाएंगे तो पैर टूटेगा। और जो कहते हैं कि योग का संपूर्ण लाभ, योग की क्रियाओं का संपूर्ण लाभ हमको तभी प्राप्त, आंशिक लाभ तो मिल सकता है लेकिन योग क्रियाओं का संपूर्ण लाभ हमें तभी मिल सकता है जब हम उनके बताए हुए स्टेप बाय स्टेप मार्ग का अनुसरण करके योग साधना की सिद्धि करते जाएं। अब योग साधना के शुरू में अष्टांग योग में, जैसा अब हम विषयांतर में जाने के लिए या उसका पुनरुक्ति हो, अभ्यास, वैराग्य इत्यादि की व्याख्या हमारे पूर्वाचार्य ने कर चुके हैं। अब 5 यम की बात, अष्टांग योग में 5 यम की बात महर्षि पतंजलि ने कहा। इस 5 यम को सारे वैदिक और अवैदिक सभी दर्शन किसी ना किसी रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन इतनी गूढ़ इनकी और इतनी बारीक फलाश्रित व्याख्या जो महर्षि पतंजलि ने किया है, यह 5 यम और स्टेप बाय स्टेप जैसा हमने कहा, इस 5 यम की अगर सिद्धि नहीं होती है तो आसन, प्राणायाम और ध्यान का पूर्ण लाभ हमको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी सिद्धि हुए बिना हमारे जीवन में स्थिरता आ ही नहीं सकती है। जैसे यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम कहे गए हैं। अब एक अहिंसा, अहिंसा का पालन हमारे जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है, वह मानसिक, वाचिक, मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा होना चाहिए। हम किसी के बारे में अशुभ सोच रहे हैं, किसी को मारना ही अहिंसा नहीं है, हम किसी के बारे में अशुभ सोच रहे हैं यह भी एक मानसिक और वैचारिक अहिंसा है। इसकी साधना हमको, यह साधारण बात नहीं है,
हम तुरंत आवेग में आके किसी से कष्ट पाने के बाद उसका अशुभ हो जाए यह सोचने लगते हैं, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। योग कहता है धीरे धीरे अभ्यास पूर्वक और यत्न पूर्वक, यत्न अभ्यास से, यत्न से अभ्यास संपुष्ट होता है। अभ्यास पूर्वक हमको इस पर अहिंसा पर नियंत्रण, अहिंसक अहिंसा मनसा वाचा कर्मणा होना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने अपने साधन पाद में श्लोक संख्या लगभग 35 से 40 42 तक इस जो पांच यम हमारे हैं इनकी क्या, इनके सिद्धि होने से क्या फल प्राप्त होते हैं इसका भी उन्होंने वर्णन किया है। अब अहिंसा के बाद सत्य आता है। अब सत्य का जीवन जीना कितना कठिन है, हम सामाजिक व्यापार में हम रोज दिनचर्या के जीवन में अनावश्यक कितना असत्य भाषण करते हैं, असत्य बोलते हैं, असत आचरण करते हैं, यह धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का अंग बन जाता है। तो महर्षि पतंजलि का यह नैतिक शास्त्र है कि जब तक सत्य का आचरण न करें, असत्य बोलने के लिए कितनी हमें कठिनाई होती है, एक असत्य बोलते हैं और उस असत्य का कहीं उद्घाटन न हो जाए उसके लिए हमारा मन मस्तिष्क कितना सतर्कता रखता है और उस झूठ को छिपाने के लिए, उसको दबाने के लिए तमाम प्रकार के असत्य हम भाषण करते जाते हैं, असत्य बोलते जाते हैं, असत्य कर्म करते जाते हैं और दिमाग की एनर्जी, मस्तिष्क की एनर्जी उसको छिपाने में, उसको ढांकने में लगती है। यह योग का सहज जीवन नहीं हो सकता है। इसलिए महर्षि पतंजलि, अब जैसे हम उदाहरण दें कि हम असत्य का दिन भर आचरण कर रहे हैं, किसी से कुछ झूठ बोल के आए हैं और हम आसन पर सुबह या प्राणायाम पर बैठ गए, मन हमारा उसमें रमेगा और कहते हैं कि योग क्या है, शरीर मन का एक हो जाना, एक लय में स्थिर हो जाना, यही तो योग है। और नहीं तो योग करते रहिए, हम आसन कर रहे हैं और मन हमारा कहीं और है, आसन कर रहे हैं और दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो आज तो हम जैसा सब जानते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान या आधुनिक विज्ञान भी यह कहता है कि मन का हमारे शरीर पर बहुत बड़ा असर है। बहुत सारे रोग के रोगियों में हम देखते हैं कि मानसिक स्थिति जिसकी सकारात्मक होती है, मजबूत होती है, उसका वही रोग उसी दवा से जल्दी क्योर होता है और जिसकी मानसिक और नकारात्मक वृत्तियां होती हैं, मन चंचल होता है, उसके सुधार के गति में धीमा, यह तो साइंटिफिकली प्रूफ है। इसलिए सत्य जनित हमारा आचरण होना चाहिए। अस्तेय, अस्तेय यानी हमको किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार की चोरी, वस्तु की ही चोरी चोरी नहीं है, हम अपने कर्तव्य की चोरी, अपने किसी के वस्तु की चोरी, मन में भी किसी के वस्तु या इसका खो जाए, ये वस्तु इसका नाश हो जाए, यह वृत्ति भी अस्तेय के अंतर्गत आती है। तो इसका हमको अपने जीवन में अस्तेय की वृत्ति लानी है, इसका अभ्यास करना है। दूसरा आगे ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जब सब हम जानते हैं कि ब्रह्मचर्य हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उनके कुछ भोग के, उनकी वृत्तियां कुछ भोग के साधन है, उनको उससे रोकना और अपने को ब्रह्मचर्य में स्थापित करना, इस पर लंबा एक दिन हमारे पूर्व में ब्रह्मचर्य पर व्याख्यान हो चुका है। अपरिग्रह, अपरिग्रह छोटा शब्द है लेकिन क्या हमारे अंदर कितना अपरिग्रह है। अपरिग्रह यानी हमको आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। हमारे पास जितने कम से कम में चीजों में काम चल जाता है लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी इतनी अनंत और असीमित इच्छाएं हैं कि अपरिग्रह हमारे जीवन में कितना आता है। हम योगाभ्यास करने बैठ जाते हैं, आसन प्राणायाम करते रहते हैं, फिर भी हमारा मन कहाँ रहता है, हमारे पास ये हो जाए, हमारे पास वो हो जाए, हमको ये संग्रहित करना है, हमको ये संग्रहित करना है, ये सारी चीजें हमारे मन में चलता इसलिए है कि अपरिग्रह हमारे अंदर नहीं है। और महर्षि पतंजलि ने कहा है कि जिसके जीवन में अहिंसा सिद्ध हो जाती है वो वैर त्याग, उसकी फल क्या मिलता है, वैर त्याग, उसका कोई वैरी समाज में जीवन में हो ही नहीं सकता, इसलिए वह निसंकोच योग साधना में प्रवृत्त हो जाता है, उसका अनिष्ट चाहने वाला कोई नहीं संसार में बचता है।
दूसरा उन्होंने कहा कि सत्य वृत्ति, सत्य का जिसके जीवन में सिद्धि हो जाए उसकी वाणी कहते हैं कि इतनी सत्य हो जाएगी, इतनी मतलब सिद्ध हो जाएगी कि वह जिसको भी अभिशाप वरदान या आशीर्वाद जो भी देगा वह सत्य होगा। यह सत्य की ऐसी महिमा है। अस्तेय, अस्तेय की सिद्धि होने से महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अस्तेय जिसके जीवन में सिद्ध हो गया वह कहीं भी उसकी सिद्धि से गुप्त स्थान पर पड़े हुए चीजों, रत्न इत्यादि जो गुप्त स्थान पर पड़े रहते हैं उनकी जानकारी उसे हो जाती है। ब्रह्मचर्य की सिद्धि से असीमित ऊर्जा उसमें, योग साधना से क्या है असीमित ऊर्जा। आज हम क्या देखते हैं, आज जिसकी बहुत चर्चा है कि इनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, शक्ति कम है, वो शक्ति कम होने का कारण है। तो कहते हैं महर्षि पतंजलि की ब्रह्मचर्य की सिद्धि से असीमित असीमित ऊर्जा और असीमित शक्ति हमारे अंदर उत्पन्न होती है और वह योग साधना में साधक होती है। उसी प्रकार से अपरिग्रह की सिद्धि से हमको अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है, हम पूर्व जन्म में क्या थे, कैसा हमारा कर्म था, इसका ज्ञान हो जाता है अपरिग्रह की सिद्धि से। ऐसी महर्षि पतंजलि का ऐसा कहना है और हम जानते भी हैं, हम अपने डे बाय डे जितने जैसे इनका जिसके जीवन में सिद्धि है उसका जीवन हम देखें, हम अपने जीवन में थोड़े समय में अगर इसकी सिद्धि करते हैं तो हम अपने जीवन में परिवर्तन पाते हैं। यह योग का, योग के अष्टांग का जो प्रथम अंग है यम, ये पांच अंगों की सिद्धि के पश्चात ही हम अगले नियम पर आते हैं, नहीं तो यह जो अष्टांग मार्ग का, जैसा मैं शुरू में कहा कि महर्षि पतंजलि ने ये स्टेप बताया है, उसका पूर्ण लाभ तभी है जब एक एक सिद्धि के बाद हम आएंगे, नहीं तो योग साधना हमारी निरर्थक रहेगी। इसके बाद हम आते हैं यम पर। अरे यम हो गया, नियम, नियम भी पांच प्रकार का महर्षि पतंजलि ने बताया, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। अब शौच का मतलब, साधारण शौच का अर्थ है शुद्धता से। अब शुद्धता की बहुत विशद व्याख्या है, वह भौतिक शुद्धता, आध्यात्मिक शुद्धता, वाचिक, मानसिक, हमारी आभ्यांतर की शुद्धि और वाह, दोनों शुद्धि आवश्यक है योग साधना के लिए। हम जैसा योग साधक बताते हैं कि योग का एक बताते हैं योगा प्रोटोकॉल में कि कैसा वातावरण होना चाहिए योग साधना के लिए, कैसी चटाई होनी चाहिए, कैसा योग साधना का स्थल होना चाहिए, कैसा वातावरण होना चाहिए, स्वस्थ स्वस्थ सुंदर, ये सब होना चाहिए। लेकिन यह सब वाह्य सुंदरता होने के बाद अगर हमारा अंतर मन कलुषित है, वह शुद्धता नहीं है, तो अब भी वह वाह्य वातावरण के शुद्धता में बैठने के बाद भी हमारा मन कृशकाय रहेगा, हमारा, हमारी बुद्धि, हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता और योग साधना में हमारी वृत्ति, अंतःकरण, मन प्रवृत्ति ठीक ढंग से नहीं हो सकता है। हम योग तो बाह्य देखने के लिए करते रहेंगे लेकिन उसकी सिद्धि हमारे को नहीं हो सकती है, इसलिए शौच शुद्धि की बहुत आवश्यकता है। अगला है संतोष। संतोष जैसा शब्द से साधारण है, हमारे जीवन में कितना आज हम सब देखते हैं, एक छोटा सा शब्द है संतोष, लेकिन इसकी सिद्धि हमारे जीवन में किस अंश तक हो पाई है। सब असंतुष्ट हैं, किसी को पद की लालसा है, किसी को पैसे की लालसा है, कहते हैं ना कि तीन ऐषणा, ऐषणाएं तो बहुत हैं लेकिन विद्वानों ने कहता है कहा कि पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा और लोक ऐषणा, इन तीनों ऐषणाओं में हम भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। आज जितना भी संसार का संकट है यह संतोष न होने के कारण ही है। हम लगभग अपने कुछ वर्षों के पहले के ही जीवन को देखें, जो लोग सहज और संतोष वृत्ति से अपना जीवन यापन करते हैं उनका सहज कितना जीवन है, सरल कितना जीवन है, कितना आनंद पूर्वक रहते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा साधन हमारे पास इकट्ठे हैं, साधन और सुविधा उपभोग के बहुत सारे साधन इकट्ठे हैं, लेकिन संतोष वृत्ति की सिद्धि न होने के कारण हम विक्षिप्त सा घूमते रहते हैं, हमारा मन चंचल है और इन सब कारणों से नानाविध रोग शारीरिक रूप से हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। आज हम कहते हैं
कि तमाम प्रकार के ऐसे रोग हैं जो डे बाय डे के हमारे अनियमित दिनचर्या के कारण और हमारे मन के अशांत होने के कारण ये उत्पन्न होते हैं। इसलिए संतोष का हमारी योग साधना में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इसलिए संतोष की सिद्धि होनी चाहिए। सौत संतोष तप माने तपस्या जनित जीवन, सुख दुख अभी अभी क्या है हमारा जीवन क्या है, हम अपने उपभोग और सुविधा भोगी इतने हो गए हैं कि कोई भी थोड़ा भी भाव अभाव आज तपस्या जनित जीवन न होने के कारण ही हमारे समाज में देखते हैं कि असंख्य ऐसे आत्महत्याएं की उदाहरण बढ़ते जा रहे हैं, तमाम तरह की ऐसी विकृतियां आ रही हैं कि हमारा अभाव में जीवन जीने का अभ्यास ही नहीं है। भाव अभाव सुख दुख ये सब हम सब जानते हैं, पढ़ते हैं कि यह हमारे जीवन के अंग हैं, हमेशा किसी का एक सा जीवन नहीं रह सकता, उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी तपश्चर्या जनित जीवन न होने के कारण हमें वह शांति नहीं मिलती है। इसलिए तप हमारे जीवन में आवश्यक है। स्वाध्याय, जैसा मैं शुरू में ही बता चुका हूं कि स्वाध्याय हमको सद ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, ईश्वर प्रणिधान सब कुछ करते हुए, सब कुछ करते हुए हम ईश्वर की ईश्वर बुद्धि से ईश्वर को समर्पित करते हुए सब कुछ, जब ईश्वर प्रणिधान का भाव आता है तो ऐसे ही हमारा अहंकार अहंकार समाप्त होता है और हम ईश्वर के कृपा से और ईश्वर की साधना से आगे हम योग साधना के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि हमारा मुख्य रूप से फोकस यम और नियम जैसे योग के इस नैतिक सिद्धांत पर था, जैसा कि जब तक इनकी सिद्धि बहुत हो सकता है कि 100% हमारे जीवन में न आए, लेकिन जैसे गांधी जी का जीवन देखे हम, अहिंसा और सत्य के प्रति उनका कठोर कितना आग्रह था, तो ऐसे महापुरुषों का जीवन बहुत, हम महाक्रांतिकारियों का जीवन पढ़ते हैं किसी भी विपरीत में असत्य आचरण न करना, तो ऐसी जब हमारे यम और नियम हमारे जीवन में जब सिद्ध होगा तब अगर हम आगे आसन और प्राणायाम के तरफ बढ़ेंगे तो वह हमारा उस समय यम नियम की सिद्धि तक आते आते मन एकदम एकाग्र हो गया रहेगा और योग साधना के सर्वथा अनुकूल रहेगा। और तब जो आसन और प्राणायाम हम करेंगे, ध्यान लगाएंगे, वो स्थिर ध्यान लगेगा और हम योग साधना के परिपूर्णता तक पहुंच पाएंगे। और योग का जो हेतु है कि शरीर आत्मा और एक हो जाना, एकाकार हो जाना, स्थिर बुद्धि हो जाना, यह स्थित प्रज्ञ की अवस्था हो जाना, यह तभी संभव है जब हम अपनी योग साधना के इन अंगों का, और मैं शुरू में कहा कि महर्षि पतंजलि ने योग साधना को जो क्रमवाइज बताया है उसको उलट पुलट नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं और उसकी साधना भी अगर उसकी एक एक स्टेप की सिद्धि के बिना करते हैं तो उसका 100% हम लाभ नहीं पा सकते हैं। और इसलिए हम एक एक करके योग समाधि तक, समाधि की अवस्था तक जाएंगे। योग के अन्य अंगों का, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की हम विशद व्याख्या यह नहीं करेंगे क्योंकि समय अवसान के तरफ है। और अपने संक्षेप में यह व्याख्या करके कि इन सबके बाद भी योग, जैसा मैं शुरू में कहा कि इतना कहने के बाद भी ऐसा नहीं है कि योग का कोई लौकिक पक्ष नहीं भी है। हमारे कहने का अभिप्राय यह है, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि घी का लड्डू जैसा भी हो वह लाभ ही करेगा, तो वैसे ही हमारी योग साधना है, किसी भी प्रकार से हम करते हैं तो लाभ तो पहुंचाएगा ही, लाभ तो हमें मिलेगा ही, लेकिन एक योग साधक की तरह से साधना का संपूर्ण लाभ हमें मिले, इसके लिए जैसा कि हम संक्षेप में केवल संकेत संकेत में अपनी बातों को, बातें तो बहुत थी लेकिन संकेत संकेत में हमने अपने बातों को रखने का प्रयास किया कि योग साधना का जो क्रम है, क्रमबद्ध तरीके से हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सिद्धि करते हुए बढ़ेंगे तो उसका पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इतनी ही बात कह के अपनी बात को मैं विराम देता हूँ और संचालक महोदय को और योग विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष श्री जितेंद्र जी को और समस्त NSS के कार्यक्रम अधिकारियों को मैं साधुवाद देता हूं कि हमको आप सब बोलने का अवसर दिए और बहुत कम समय में जो भी थोड़ी चीजें हमारे मन में आई उनको आप सबके सामने मैं प्रस्तुत किया। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय योग विभाग के आचार्य डॉक्टर अम्बरीश राय जी, आपने योग के संबंध में बहुत सारी बातें बताई और योग का जीवन में क्या महत्व है, विभिन्न सूत्रों के माध्यम से जीवन की पूर्णता योग से कैसे सिद्ध होती है और योग जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, कतिपय बातों को मैं यहाँ उद्धृत करता हूँ आपकी कही हुई। आपने यह बताया, महर्षि पतंजलि जी योग के पहले प्रणेता आचार्य हैं जिन्होंने इस संसार में योग को बताया और योग से परिचय कराया। आपने योग के संबंध में बताया कि योग ही समाधि है, साधक और साधन योग के माध्यम से, जो योग में साधक और साधन है दोनों महत्वपूर्ण हैं। और आपने यह बताया कि योग तीन प्रकार का है, उत्तम, मध्यम और सामान्य। आपने बहुत सुंदर बात गीता जी में आपने छठवें अध्याय के में आपने बताया और उसमें यह बताया कि मन अत्यंत चंचल है, लेकिन उस चंचल मन को कैसे वश में किया जाए, तो आपने यह बताया कि अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से इसको वश में किया जा सकता है। अगले आपने कहा कि स्वाध्याय और सदग्रंथों का अध्ययन मनन यह योग के लिए बहुत ही आवश्यक है, और ईश्वर के शरण में आना ईश्वर प्राणिधान है, यह योग का एक अंग है। बहुत सुंदर आपने बात कही। अष्टांग योग क्या है इसके बारे में तो आपने बहुत ही सुंदर, अत्यंत रोचक व्याख्या की, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात, एक एक अंग के बारे में आपने बहुत अच्छी बात बताया। आगे आपने कहा कि तपस्या का होना जीवन में महत्वपूर्ण है, यह भी योग का एक अंग है तपस्या। आगे आपने कहा कि स्वाध्याय का जीवन में बहुत महत्व है, जब तक स्वाध्याय नहीं होगा तो जीवन में बहुत कम प्राप्त किया जा सकता है, यानी बहुत कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए स्वाध्याय का बहुत महत्व है, यह भी योग का एक अंग है। के बारे में, योग के संबंध में इतनी सुंदर अच्छी जानकारी दी, इतना सुंदर व्याख्यान दिया, हम बहुत ही खुश हैं, आह्लादित हैं। योग विभाग के आचार्य डॉक्टर अम्बरीश राय जी, बहुत अच्छा लगा आपका यह व्याख्यान सुन करके। मैं यह आशा करता हूँ कि हमारे प्रतिभागी जो विभिन्न प्रांतों से इस सुंदर व्याख्यान को सुन रहे हैं वह भी लाभान्वित हुए होंगे, शोध छात्र छात्राएं उनको भी अच्छा लगा होगा। अब मैं कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले चल रहा हूं, क्योंकि जो समय तय था वह समय लगभग लगभग पूर्ण हो चुका है। इस आज के इस व्याख्यान माला में मैं अपने विश्वविद्यालय के जीवन पर्यंत कुलाधिपति एवं पद्म विभूषण से सम्मानित प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरु जी के चरणों में सत सत नमन करता हूं कि जिनकी आशीर्वाद और कृपा से यह कार्य निर्विघ्न रूप से संपादित हो रहा है, कोटि कोटि नमन है उनके चरणों में। बहुत ही सुयोग्य और योग्य आदरणीय परमादरणीय कुलपति जी को उनको भी वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि जिनके आज्ञा से, जिनके निर्देशन में विश्वविद्यालय के सारे लोग बहुत अच्छे ढंग से कार्य संपादित कर रहे हैं, नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं उनका भी, ऐसे आदरणीय कुलपति जी का। हमारे विश्वविद्यालय के सम्माननीय वित्ताधिकारी जी, जिनका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहता है, जिनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है, हमेशा वह हमारे साथ रहते हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और बहुत ही सुयोग कर्मठ हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव जी, इतिहास वेत्ता, बहुत ही सहृदय डॉक्टर महेंद्र कुमार उपाध्याय जी, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं, साधुवाद देता हूँ उनको कि उनका भी सहयोग निरंतर हमको मिलता रहता है, हमारे साथ खड़े रहते हैं।
मैं विश्वविद्यालय के सभी इस कार्यक्रम के पदाधिकारियों को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। कार्यक्रम के मुख्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दलीप कुमार जी और उनके साथ में उनकी जो टीम काम कर रही है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। कार्यक्रम समापन की ओर है। सभी प्रांतों से जो इस वेबिनार में सहभागिता कर रहे हैं, आदरणीय सम्मानित प्राध्यापक प्राध्यापिकाएं नमन करता हूँ, सम्मानित छात्र शोध छात्र, और यह अनुरोध के साथ मैं फिर से सब लोगों को निवेदन करता हूँ कि फिर कल 7 बजे सुबह हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। नमो राघवाय, गुरु जी के चरणों में सत सत नमन। जय कामतानाथ की।